भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर जिला हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलता है। नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी नदियां और नाले पहाड़ों पर होने वाली बारिश की वजह से पूरी तरह उफान पर हो जाते हैं। इन छोटी बड़ी नदियों से जिले में बाढ़ से भारी तबाही होती है। बाढ़ की इस विभीषिका से बचाव के लिए जिला प्रशासन हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हालत जस से तस बनी रहती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांधों के निर्माण और बचाव के लिए बनाए गए पोखरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इस बार भी प्रशासन बाढ़ की तैयारियों के बड़े दावे कर रहा है। सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में से एक भारत नेपाल सीमा पर स्थित तराई जिला है। इस जिले का प्रमुख व्यवसाय कृषि और सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ घर को बाढ़ लील जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वास्तव में सरकार और जिला प्रशासन ये चाहता है कि उनके गांव के लोगों को बाढ़ की कटान से निजात मिल जाए तो उन्हें अस्थाई ठोकरों की जगह अस्थाई ठोकरों का निर्माण कराना चाहिए। मिट्टी की बोरियों से लगातार कटान को नहीं रोका जा सकता। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करे। मेरा नाम बुद्धेश है, मैं रीवा नानकार से बिलोंग करता हूँ, ब्लॉक जोगिया उदयपुर, जिला सिद्धार्थनगर। ये बुद्धेश जी, और जो गांव है ये कौन सी नदी है, कहाँ पे ये स्थित है और क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को बाढ़ में? ये राप्ती नदी है, बाढ़ जब आती है हम लोगों के गांव में तो पानी घुस जाता है, काफ़ी परेशानी होती है, लोगों को आयात निर्यात करने में बहुत दिक्कत होती है, लोग यहाँ तक कि घर से निकलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है उन लोगों को, और उन लोगों को कहीं जाना होता है तो एक नाव का सहारा लेके लोग जाते हैं। अच्छा, जो सरकार जो काम कराती है, सरकार का ये कहना होता है कि हर साल बाढ़ के नाम पे काफ़ी काम होते हैं जो कटान होती है, पिछली बार की अगर हम बात करें आपके गांव में कितना नुकसान हुआ था बाढ़ से, कितने कटान हुआ था, ये बूढ़ी राप्ती ने कितना कटान किया था? देखिए, ऐसे तो बूढ़ी राप्ती ने काफ़ी खेतों की क्षति हो गई और गाँव का भी, हर साल एक दो घर तो गिर ही जाता है, लोगों को क्षति बहुत होती है, नुकसान इतना होता है कि लोग किसानों को खाने तक के लिए मुस्ताद हो जाते हैं, सालों में उनको एक ही फसल मिल पाती है, लेकिन करे क्या, उन लोगों के सामने बेहतर मजदूरी है, विभाग भी उनको सामने कोई कार्रवाई करता है तो सुनवाई नहीं होता जल्दी। अच्छा, बुद्धि जी, एक चीज़ है कि अभी जो काम हो रहा है, इधर हम देख रहे हैं कुछ ठोकर वगैरह का काम हो रहा है जी, ये आपके हिसाब से क्या, ये जो काम हो रहा है इससे कुछ बचत हो पाएगी क्या, मतलब जो हो रहा है? देखिए सर, ऐसा बात है, एक लोग जो काम करवाते हैं इस पर एक अनुभव है, ठीक, अनुभव से कि विश्वास है कि रुक जाएगा, इसके ठोकर लगने के बाद क्या होगा, बाढ़ आएगी, पानी आएगी, क्या होगा, इसको कौन जानता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।